जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर के निकटवर्ती क्षेत्र चचिया नगरी के हीरालाल ठाकुर कोरोना वायरस के बीच दूसरों के लिए एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। हीरालाल ठाकुर बद्दी में नौकरी करते थे और 30 अप्रैल को अपनी पत्नी के साथ बद्दी से घर वापस आए हैं। घर पर बुजुर्ग माता पिता और 3 बेटियां हैं। हीरालाल ठाकुर अपनी पत्नी के साथ एहतियातन रूप से घर के नजदीक खेतों में टेंट लगाकर क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं। इस दौरान वे परिवार के सदस्यों से भी नहीं मिल रहे हैं, ना ही बाहर निकल रहे हैं। हीरालाल ठाकुर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे धर्मपत्नी सहित 30 अप्रैल शाम को गांव पहुंचे थे। तब से लेकर वे अपनी पत्नी सहित अपने घर के पास टेंट में अलग से क्वारंटाइन करने का फैसला कर उनके साथ ही रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये बीमारी पूरे विश्व में फैली है तो उनका कहना है कि अमेरिका जैसा देश इस बीमारी को कंट्रोल करने में असमर्थ है, तो अगर प्रदेश में इस तरह के हालात हो जाएंगे तो इसका कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसी सोच को लेकर उनके मन में अलग से क्वारंटाइन करने का ख्याल आया। मैं सर 30 तारीख को आया था, 30 तारीख शाम को पहुंचा था, और आपने खुद को अलग क्वारंटाइन करने का फैसला क्यों लिया? आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी है। सर अलग क्वारंटाइन करने का ये फैसला मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मतलब जैसे बीमारी है ये जिस तरीके से फैल रही है, अब देखो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इस बीमारी को कंट्रोल करने में असमर्थ है और लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आता है कि हमारे हिमाचल या इंडिया जैसा देश जो है, यहाँ पे अगर हिमाचल में इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इसको कंट्रोल करना कितना ही मुश्किल हो जाएगा, यही सोचकर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। हीरालाल ठाकुर की पत्नी शांता देवी ने कहा कि अलग से क्वारंटाइन करने की इच्छा अच्छी थी और बच्चों से दूर रहना बुरा तो लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 लड़कियां हैं और वे भी अपनी दादा और दादी के पास रह रही हैं। उन्होंने बताया कि वे इस बीमारी से अपने परिवार और गांव वालों को बचाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, अगर वे घर में रहते तो कुछ भी हो सकता था, इस कारण उन्होंने अलग रहने का निर्णय लिया। नाम शांता देवी। हाँ जी, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बच्चों से जरा दूर रह के कुछ अटपटा भी लग रहा है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 लड़कियां हैं। आज 3 बच्चियां हैं और तीनों बच्चियां घर में हैं और आप अपने दादा दादी के पास? हाँ जी। तो ऐसे ही कभी खाना खोना बनाने में टाइम लग जाता है, और फिर बात है कि चूल्हे में खाना बना रहे थे, वो टाइम लग रहा है। तो चूल्हे में आज क्या बन रहा है आपके पास? आज चावल और राजमा की दाल बन रही है। तो देखिए, कहना चाहते हैं कि इस बीमारी से हम अपने परिवार और गांव वालों को बचाव कर रहे हैं। हमारी फैमिली बहुत बड़ी, अगर हम घर में रहते तो हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इस करके हमने अलग रहने का वो निर्णय लिया कि हम अलग रहेंगे और फैमिली हमसे दूर रहेंगे और अब बच्चे भी इस तरह से उन पर। खाना पीना बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं? देखिए आप नीचे।